हाय मेरे प्यारे यूट्यूबर भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप यूट्यूबर होंगे या फिर यूट्यूबर बनने की जद्दोजहद में लगे होंगे या फिर यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे होंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि आज यूट्यूबर्स की स्थिति पूरे देश में इतना संख्या ज़्यादा बढ़ गया है कि एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कितने यूट्यूबर्स हैं। आप एक पत्थर लीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा, आपके घर गली के बाजू में जो रोड होगा उस रोड पे पत्थर को आंख बंद करके नीचे ऐसे मारिएगा बिना देखे हुए। अब वो पत्थर जो है, छोटा पत्थर लीजिएगा नहीं तो किसी का सर फट जाएगा, है ना, वो पत्थर जो है या तो किसी कुत्ते को लगेगा या यूट्यूबर को लगेगा। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपके यहाँ कितने यूट्यूबर। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि 50-50 चांसेस है, जितने रोड पर कुत्ते घूमते उतना ही यूट्यूबर्स भी हो गए हैं। तो दोनों ही लोगों को परेशान किया, पब्लिक को बुरा मत मानिएगा, इट्स जस्ट जोकिंग, बट फैक्ट यही है, रियलिटी। अगर दिल्ली बॉम्बे की बात करें, बड़े शहरों की, तो वहाँ पे रेशियो ये बहुत ज़्यादा है, है ना, कि हर लोग चाहे वो एक, ठीक है, पहले क्या था ना कि पहले लोग जिनको पैसे कमाने की ज़रूरत होती थी वो लोग ही आते थे इस प्लेटफॉर्म पर कि हाँ चलो ठीक है, जैसे ट्राई करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी, तो कुछ हो जाएगा, कुछ लोग शौक से आते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए तो उनका स्टेटस सिंबल चाहे कुछ भी हो, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन के बेटे हमारे यहाँ ले लीजिए, अब आप लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं हमारे यहाँ तेज प्रताप यादव, वो उनको सपना हो गया कि मुझे एक ब्लॉगर बनना, और ब्लॉगिंग का जो जुड़ी ना वो सबसे ज़्यादा हुआ है लोगों में आजकल, यूट्यूबर में, कि ब्लॉगर बनना है उनको, तो वो हो गए। इसके अलावा बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस एक्टर्स जो कि अच्छे लेवल पे हैं, चाहे वो टॉलीवुड से हो, बॉलीवुड से हो, भोजपुरी को हो, अच्छे अच्छे लोग जो कि अच्छे जॉब में हैं वो, या फिर आप सिंपल हाउसवाइफ की बात करिए, ठीक, तो वो पहले से थी, उनको होना चाहिए, बाकी और जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो सभी, आमतौर पे आप जो भी देखते होंगे, चाहे आप ट्रक ड्राइवर को देख लीजिए, ऑटो ड्राइवर्स का भी व्लॉग्स है, या फिर इवन मैंने काम वाले बाई लोगों का भी व्लॉग्स देखा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट इट्स एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कितने लोगों का हो गया आजकल यूट्यूब पर आना। और ये देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म में कुछ लगता नहीं है, फ़ोन सबके पास है, सिम कार्ड आपके पास है, डेटा सबके पास आ रहा है, क्या लगा है शूट करके डाल दें, चल गया तो चल गया। तो अब ऐसी स्थिति में आपको कभी ये नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा शायद, कि अब तो यार व्यूअर्स, सारे व्यूअर्स जो हैं वो यूट्यूबर्स बनते जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर क्या है इस यूट्यूबर, क्या होगा आज से 2 साल 5 साल बाद 6 साल बाद, क्या इससे हम पैसे कमा पाएंगे? पैसे तो बढ़ जाएंगे जब सभी लोग व्यूअर्स होंगे, तो क्या ये सच्चाई होगी? दूसरा सवाल, क्या इसका ये बस टाइम पास के लिए रहेगा, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए, फिर इस पर करियर भी बन सकता है आगे? YouTube एग्जिस्ट करेगा हमेशा, मोनेटाइजेशन रहेगा, फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है? बहुत सारे मन में आपके सवाल आते होंगे इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए या फिर सपने देखने से पहले। इस वीडियो में ये आपका हम जवाब दोस्तों देने वाले हैं। दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ लगभग 11 साल से, और आई थिंक 2012 से, हाँ तो 10 साल हो गए, और इन 10 सालों में जितना ड्रामेटिकली चेंज इधर हुए, पब्लिक आए हैं इधर पीछे 3-4 सालों में, आप सोच नहीं सकते हैं। पहले लोग मतलब गिने चुने लोग थे कि पॉपुलर यूट्यूबर्स की नाम ले लो तो आप मतलब पॉपुलर यूट्यूबर्स आप हाथ पे गिन सकते थे 10-15-20। आज की डेट में कितने ऐसे पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं आपको पता नहीं होगा। आप जब पहली बार देखते होंगे तो शौक जाते होंगे, अरे बफरी इतने व्यूज़ आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये हर रोज़ हो रहा है, हर तरह के कैटेगरीज में हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आपको मालूम चलता है? एक चीज़ जो मुझे लगता था बहुत पहले कि अभी तो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, यूट्यूबर्स कम हैं, इसलिए रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, अर्निंग अच्छा हो रहा है। जब यूट्यूबर्स बढ़ जाएंगे हर स्टेज पे, हमको लगा हर साल में, साल भर साल जैसे जैसे यूट्यूबर्स बढ़ते गए 2012 से अभी तक, लगा कि रेवेन्यू जो है घट जाएगा। यूट्यूबर्स आ जाएंगे ज़्यादा तो एड्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और रेवेन्यू घट जाएगा। क्या ऐसा हुआ? एग्जैक्टली नॉट, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी बात है इस प्लेटफॉर्म की, चाहे कितने भी लोग आए, इवन व्यूअर्स के बराबर यूट्यूबर्स हो गए हैं लगभग, मान लीजिए अगर मान लीजिए हो जाते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो स्थिति है आज, एटलीस्ट अगर व्यूअर्स 100% है, 25% तो यूट्यूबर्स होंगे जरूर, आज के लिए 20% तो होंगे जरूर इतना तो, लेकिन कोई भी कमी नहीं आया है रेवेन्यू में, अर्निंग्स में, CPC में, एड्स में। एड्स आप बिंदास देख रहे हैं, 2-2 एड्स बैक टू बैक एड्स लगाते, अलग अलग तरीके आ रहे हैं, तो फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ेगी अगर, हाँ हो सकता है अगर दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाए तो वो अलग बात है, यूट्यूब की तरह कोई, लेकिन इतना आसान लगता भी नहीं है कि कोई आए। बहुत सारे लोग
फेसबुक वगैरह अपना वीडियो वाला लाया प्रोग्राम, लेकिन फेसबुक वीडियोज में क्या दिक्कत है कि सर्च नहीं है, जबकि यूट्यूब में। और यूट्यूब का खासियत क्या है ना, यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से जितने पॉपुलर वीडियो क्रिएटर को प्रोड्यूस किया है ना, उतने दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं है। ठीक है, टिकटॉक में आप नाम जानते हैं कि हाँ कुछ टिकटॉकर्स लोग फेमस थे, खैर वो तो चला ही गया, लेकिन यूट्यूबर्स जितने लोगों को लाइमलाइट में लाया है ना, वो कमाल कर। तो ये चीज़ तो है, मानना पड़ेगा आपको कि पैसे, आपको मान लीजिए कि कितने भी लोग हो जाएंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पैसे कम नहीं होंगे, जब क्योंकि आज तक कम नहीं हुए। तो ठीक है, इसलिए इस चीज़ का आप डर मत कीजिए। अब हाँ, सवाल है कि जब ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, हर कैटेगरी में हजारों लाखों लोग, लोग देखेंगे किसे। देखिए, ऐसा ये सिस्टम है ना कि हर टाइप के लोग, हर कस्बे के लोग, जैसे जिस मीडियम क्लास फैमिली अगर बात कर रहे हैं, पुअर फैमिली, अमीर फैमिली, या हाई फाई लाइफ स्टाइल वाले, या फिर सिंपल लाइफ स्टाइल वाले, गरीब लोग, हर लोगों का अपना अपना, जो लोगों का जिस टाइप के हैं उस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, जो सर्च करते हैं, जो जैसा व्लॉग देखना चाहते हैं, हर टाइप के लोगों का अपना अपना पसंद होता है जो लोग देखते हैं। ठीक है, और ये आप देखते हैं, अगर लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, तब भी व्यूज़ देखिए कितने आते हैं लोगों को। पहले मिलियंस, आज के डेट की बात करें, हम आज से 7 साल पहले की, तो अगर वीडियो में 1 लाख किसी का व्यू होता था, वो बहुत समय लगता था, इतना जल्दी वायरल नहीं होता था। 1 लाख 2 लाख व्यू होने में मतलब 1-2 महीने लगते थे। आज से 2013-14 की बात करें तो बहुत मुश्किल से होता था। आज के डेट में मिलियंस ऑफ व्यूज़ मतलब एक दिन में, आधे घंटे में, एक घंटे में हो जा रहे हैं। इतने सब्सक्राइबर्स होते नहीं थे, ये चीज़ प्लेटफॉर्म था ही नहीं उतना, तो व्यूज़ की भी कमी नहीं होगी और ना सब्सक्राइबर्स की कमी होगी। तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे जो है, आपको जो चीज़ करना है वो आप आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट। हाँ, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग बना रहे हैं एक ही टाइप की चीज़ें, एक ही चीज़ बता रहे हैं। यूट्यूब टिप्स आप पहले हम देते थे, आज बहुत सारे लोग हैं, अप्रॉक्स 100 लोग तो ज़रूर होंगे जो कि यूट्यूब टिप्स का चैनल चलाते हैं। मेरा पहले चलता था, बिकॉज मैं इकलौता था, जैसा दे रहा हूँ, जैसा परोस रहा हूँ, लोग सुनते थे, मानते थे। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया, काफ़ी लोग आ गए, जो लोग अच्छा दे रहे हैं, जो लोग लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उनका चैनल चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। और जो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट एनीवे। और तो वैसे ही आपको अपने प्लेटफॉर्म में ना जो है अपना बेस्ट डिलीवर करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो नहीं भी डिलीवर कर रहे हैं उनका चैनल बंद हो जाएगा, बंद हो जा सकता है, है जैसे क्या होता, बट अगर आप गिव अप करेंगे तो, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं 100% गिव अप नहीं करता हूँ, बहुत से कामों में लगा रहता हूँ, इसलिए नहीं चलता है। ठीक है, अगर हो सकता है मैं भी अब 100% अगर गिव अप करूँ यहाँ पे तो चलने लगेगा चैनल। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, रेगुलरिटी वगैरह। और अभी भी स्कोप काफ़ी है यूट्यूब पर, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि देश को बहुत ज़्यादा रोजगार दे रहा है सच में। और सच्चाई ये है कि कमाई कितनी होती है आपको हम वाकई बता दें, अगर आपका चैनल अच्छा खासा चल जाता है तो कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है, कोई भी नौकरी की सैलरी ऐसी नहीं है जो एक यूट्यूबर को जितना पैसा उसको एड्स के थ्रू या फिर स्पॉन्सर वीडियोस के थ्रू मिलता है या कंपनीज देती हैं, कोई भी जॉब नहीं दे सकता। ये तो लिख के मैं देता हूँ आपको। आज के डेट में जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं किसी भी कैटेगरी के, जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, टॉप 100 यूट्यूबर्स भी अगर मान लें, टॉप 500 यूट्यूबर्स भी मान लें, तो उनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर लिए, टॉप अगर 100 यूट्यूबर्स की बात करें अगर, तो उनकी अर्निंग पर मंथ की है टॉप 100 यूट्यूबर्स की 5 लाख रुपए एड से होती होगी, उससे कम नहीं होती होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। मिनिमम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए टॉप 100 यूट्यूबर्स की कमाई एड्स से केवल। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप के लिए वो 500 जो यूट्यूबर्स होंगे जो टॉप कैटेगरी में है, वो कम से कम 1 लाख रुपए लेते होंगे एक ऐड को, एक स्पॉन्सर वीडियो करने के लिए, ये तो गारंटी है आज के डेट में। तो सोचिए कितनी कमाई होती होगी। और वाकई में एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जमाना ऑनलाइन है, आज सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है, नेट पर हो रहा है, वीडियोज़ का ज़माना है, टेक्स्ट धीरे धीरे लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप देखते होंगे जो लोग पहले पढ़ाई करते थे, कुछ भी सर्च करते थे, वो सब वीडियोस पे स्विच कर गए हैं। सबको अच्छा लगता है अपने लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में सुनना, अच्छे से समझा रहा है कोई चीज़, या फिर इंटरटेन होना, बोर हो रहे हैं तो ये सब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस पर करियर नहीं है, चाहे कितने भी लोग आ जाएँ, ठीक है ना, कितने भी लोग आ जाएँ, मेरा जो अनुमान है कि इस प्लेटफॉर्म में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते यूट्यूब अगर चाहे
कि हम इस मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को ख़त्म करें या फिर कोई दूसरा लॉ ला दे या फिर कुछ इसका राइवलरी कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म निकल जाए आगे बेहतर, तो हो सकता है यूट्यूबर्स, लेकिन यूट्यूबर्स स्विच करेंगे उस पर, ठीक है। तो वीडियो कंटेंट का ज़माना है दोस्तों, बस यूनिक अच्छे और बढ़िया कॉन्टेंट बनाइए ताकि आप लंबे समय तक चल सकें। हाँ, एक सवाल और जाते जाते कहूँगा कि क्या ये करियर जो है लॉन्ग लास्टिंग है? देखिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, बट इतना कह सकता हूँ कि 3 साल अगर आप चल गए तो 3 साल से लेके 6 साल 7 साल तो आप अच्छा निकाल सकते हैं। बाकी जनरेशन है, ठीक है, लोग आते हैं, लोगों का पसंद बदलता है, कोई आपसे बेहतर आएंगे लोग, वो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन YouTube, अपना चैनल बनाइए और अपना करियर संवारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।